जब हमारी ऐसी अचल अटल स्थिति या एक स्थिति बन जाती है तो हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? हलचल के वातावरण में रहते भी अनेक आत्माओं की मनसा द्वारा सेवा करने का चांस हमें मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हलचल करने वाली बातें हमारे सामने आएगी और आत्माएं शांति और शक्ति की चाहना रखकर आपके पास आएंगी। तो आप अपने के द्वारा अनेक आत्माओं को शांति शक्ति प्रदान करनी होगी, अनेक आत्माओं की सेवा करने का चांस आपको मिलेगा और अविनाशी कमाई करने का गोल्डन चांस हमें मिलेगा। तो एक दृढ़ लक्ष्य रखें, साधना मुझे कैसे भी करनी हो पड़े लेकिन मुझे ऐसा साधन, कौन सा साधन? अटोल एक स्थिति रूपी साधन अपने पास तैयार रखना है, तभी हम ऐसे बेहद की सेवा सफलता पूर्वक कर सकेंगे। अभी दिखाई दे रहा है, 3-4 साल के बाद आप देखना मनसा सेवा का बोलबाला होगा। बाबा ने कहा है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा होगा, परिस्थितियां ऐसी होगी जो आत्माएं हमारे पास नहीं आ सकेगी और हम आत्माओं के पास नहीं जा सकेंगे। उस समय दूर बैठे हमें अनेक आत्माओं की मनसा के द्वारा सेवा करनी होगी और इस सेवा के द्वारा बहुत कमाई कर सकते हैं। इसको होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस कहते हैं, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस हम मनसा के द्वारा कर सकते हैं और स्थिति ही हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अगर मैंने अपनी स्थिति अचल अटोल एक श्रेष्ठ नहीं बनाई तो ऐसा कह सकेंगे कि बाबा से मैंने जितना लाभ लेना चाहिए उतना नहीं लिया। बाबा ने मुझे ऑफर किया चांस, लेकिन उस चांस का मैंने उतना जिनकी श्रेष्ठ स्थिति होगी वो बेहद का स्पिरिचुअल बिजनेस करते रहेंगे तो हम उनको देखने वाले बनेंगे। ऐसा बिजनेस करने वाले नहीं बनेंगे, केवल देखने वाले बनेंगे। इसलिए हमें ये चांस बाबा ने दिया है, इस चांस को हमने छोड़ना नहीं है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति मुझे बनाना ही है, ऐसा दृढ़ लक्ष्य हमारा हो, क्योंकि जैसे हमारी स्थिति श्रेष्ठ होती है, ऊंची होती है, लोगों का दृष्टिकोण भी हमारे प्रति ऊंचा होता है। ब्राह्मण जीवन में लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति ऊंचा होना ये हमारी उन्नति है, ये हमारी असली कमाई है। इसलिए हमें ये चांस जरूर लेना है और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को पावरफुल बनाने पर ध्यान देना है। तो बाबा हमें अब पालना दे रहे हैं, उस पालना का अपने को भरपूर खाना है, खजानों से भरपूर खाना,
लेकिन अलौकिक खजाने प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है, जब तक खुद में और खुदा में खो जाना नहीं आता है तब तक खजाने प्राप्त नहीं होते हैं। जितना खुद में अर्थात आत्मा में हम खो जाते हैं, अनुभूति में डूब जाते हैं, उतना ही खुदा में अर्थात बाबा की याद में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं। और ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमके लिए ऐसी बहुत सुंदर और शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा का इशारा है हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव हमें करना है। तो चले हम सभी बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति की ओर।